ब्राइट वेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले हैं अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में सीखने टेली प्राइम की जो क्लास है उस क्लास के अंदर आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम टेली प्राइम में रिजेक्शन आउट की एंट्री पास करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा कुछ माल है जो हमने अभी ऑर्डर दिया था, और ऑर्डर से जैसे हमें माल प्राप्त हुआ, हमने उसे चेक किया तो उसमें से पता चला कि कीबोर्ड दो पीस खराब है, तो हम लोग उसको दो पीस को वापस करना चाहते हैं, और माउस है जो वन पीस है, वन पीस को हम लोग वापस करना चाहते हैं, और मॉनिटर देखा उसमें से तो दस पीस में से एक पीस खराब निकला है। टोटल मिला के जब हम लोगों ने ऑर्डर प्राप्त किया और हम लोगों ने रिसिप्ट की एंट्री चढ़ाई थी, तो उसके बाद में चार पीस खराब है जो 5,950 रुपये का माल है। ये जो आप देख पा रहे हैं जैसी एंट्री यहाँ पे देख रहे हो, पार्टी का नाम रैम है और रिजेक्शन आउट में एंट्री चढ़ी है। तो ये रिजेक्शन आउट की एंट्री हम लोग किस तरीके से करते हैं और विद प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो चैनल पे नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाना है, और जाने के बाद में टेली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में आपका सॉफ्टवेयर इस तरीके से रन हो जाएगा। रन होने के बाद में नेम ऑफ कंपनी में कंपनी का नेम आ जाएगा। यदि आपकी कंपनी का नेम नहीं आता है या टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं है और फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब चैनल पे लिखे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड क्लिक करें, और उसके प्लेलिस्ट पे क्लिक करके टेली प्राइम पे क्लिक कर लें। वहां पे 1, 2, 3, 4, 5 क्लास देखोगे तो टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है, उसके बाद कंपनी बनाना, सर्ट सेलेक्ट करना समझाया हुआ है। 1 से 5 क्लास देखने के बाद आपकी कंपनी का नेम यहाँ पे आ जाएगा, आने के बाद में राइट साइड में गेटवे ऑफ टेली आ जाएगा। दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास करने के लिए आपको सभी अब से पहली क्लासे आपको देखनी होंगी, क्योंकि उसमें क्या कंपनी बनाने के बाद में उसमें वाउचर बनाना, आइटम बनाना, यूनिट्स बनाना, ऑर्डर देना, ये सभी चीजें आपको सिखाई हुई हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अपने कंप्यूटर में जाएं और स्टेप बाय स्टेप सारी टेली प्राइम की क्लासे देखें और नोट्स बनाएं, 100% आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं आपने अब से जो ये क्लास देख रहे हैं उससे पहले रिसिप्ट नोट और ऑर्डर की एंट्री आपने पास की हुई है, तो उसके बाद में आपको करना क्या है, ये अब से दो पहली क्लासे जरूर देखें ताकि आपको ये ऑर्डर देना और रिसिप्ट देना समझ में आ जाए। जब देने के बाद में आप यदि आप वाउचर में जाते हो, गेट ऑफ टेली में वाउचर में जाना है, और वाउचर में जाने के बाद हमें रिसिप्ट नोट की एंट्री पास कर रिजेक्शन आउट की एंट्री पास करनी हो। अब आप इसको रिजेक्शन आउट को देखेंगे तो आपको पेमेंट के अंदर रिजेक्शन आउट पेमेंट में मिलता है टेली प्राइम के अंदर, और वहाँ पे कंट्रोल के साथ में F5 इसका शॉर्टकट है, लेकिन ये एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। इसे सबसे पहले एक्टिवेट करना होता है फर्स्ट टाइम यदि आप रिजेक्शन आउट की एंट्री कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जाना होगा अदर वाउचर्स में। जैसे आप अदर वाउचर्स पे जाते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सो इनएक्टिव टैब, आप इनएक्टिव टैब को सो करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्लिक करें इस पर, और क्लिक करने पर आपको एक दिखाई देगा रिजेक्शन आउट, और रिजेक्शन आउट हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव करने के लिए कोई परेशानी नहीं है, इस पर डबल क्लिक कर देना है, और डबल क्लिक करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि ये चालू करना है क्या, एक्टिवेट करना है, तो यस करेंगे, और जैसे ही यस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजेक्शन आउट का यहाँ टॉपिक आ जाएगा। रिजेक्शन इन के टॉपिक में आने के बाद में आपको यहाँ पे उस पार्टी का नेम लेना है जिसका माल वापिस करना है। तो हमने एक राम से ऑर्डर दिया था, राम से ही माल प्राप्त किया है, तो राम के यहाँ राम अकाउंट चूज करेंगे, देन यहाँ पे भी आपको राम लेना है, एंटर प्रेस करना है, फिर एंटर करना है। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है, नेम ऑफ आइटम है उस आइटम को चूज करना है जो खराब है। हमने यहाँ पे चेक किया माल में से तो कीबोर्ड के 10 पीस का ऑर्डर था, और वहाँ ट्रैकिंग नंबर में आपको 1 लेना है, और यहाँ पे पूछा गया है कि क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी में जितना माल खराब है उसमें वो आपको यहाँ पे डालना है। 2 पीस यहाँ कीबोर्ड के खराब है वो इसमें डालने हैं, रेट आपको जो था वही रखना है और कोई बदलाव नहीं करना है, मात्र आपको यहाँ पे क्वांटिटी में उतने पीस डालने हैं जितने खराब थे, बाकी एज इट इज रहेंगे। एंटर करेंगे दूसरी बार एंड ऑफ लिस्ट, और ये नीचे आ रहा है दोबारा से, ये नीचे 1 नहीं लेना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। इसके बाद पूछा है कि दूसरा कोई आइटम हो तो आप बता सकते हो, एम दबाया, यहाँ पे है माउस, डाउन एरो की से नीचे आए, और माउस में आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से ट्रैकिंग नंबर 1 है। क्वांटिटी पूछी गई है कि कितना खराब है, माउस के 2 पीस नहीं 1 पीस खराब था, तो यहाँ पे एंटर किया, रेट में आपको सेम टू सेम रखना है और अमाउंट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटर करेंगे दूसरी बार 1 नहीं लेना है, ध्यान रखना है कई बार हम लोग बार बार ले लेते हैं इसको, एंड ऑफ लिस्ट करना है। यहाँ से पूछा है कि अगर कोई और आइटम है तो वो भी बता सकते हो, एम दबाया हमने, यहाँ पे मॉनिटर है, क्या है मॉनिटर एक आइटम है और ट्रैकिंग नंबर 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्वांटिटी देनी है। जब हमने मॉनिटर चेक किया तो 10 पीस में से 1 पीस मॉनिटर का भी खराब था, एंटर करेंगे, रेट एज इट इज रहेगा और अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और 1 दोबारा नहीं लेना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है।
जब आप ऐसा करते हैं तो कीबोर्ड माउस मॉनिटर यहाँ आ जाता है, और कीबोर्ड की दो क्वांटिटी और माउस की एक है मॉनिटर की है, और टोटल रेट 350 के अनुसार यहाँ अमाउंट टोटल आ चुका है। टोटल जैसा मैंने फर्स्ट टाइम आपको दिखाया था, चार पीस से 5,950 रुपये का माल है जो ख़राब है, जो रिटर्न करना है हमें, तो उसके हम लोगों ने रिजेक्शन आउट की एंट्री पास कर दी है, और एंटर करके हम इसको एंटर करते चलेंगे, एक्सेप्ट करके यस कर लेंगे। जैसे ये यस करेंगे तो हम देखना चाहते हैं कि क्या ये एंट्री एक्सेप्ट हुई है या नहीं, तो उसके लिए एस्केप की प्रेस करें और वापस आएँ। इसके बाद में आपको यहाँ गेटवे ऑफ टेली में डे बुक मिलेगा, यहाँ पे के प्रेस कर सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन आउट की एक एंट्री दिखाई देगी जिसका वाउचर नंबर 1 है, वाउचर नंबर 1 ही था। देन यहाँ पे कीबोर्ड एचपी दिखा रहा है, इसको जैसे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सेम उसी तरीके से शो हो जाएगा जैसे मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया था। यहाँ पे राम का अकाउंट है और यहाँ पे राम को हम लोगों ने कीबोर्ड माउस मॉनिटर और ये रिटर्न किए हुए माल यहाँ पे सेम टू सेम एज इट इज दिखाई दे रहे हैं, और 1 मई को हम लोगों ने ये एंट्री की है। ये सारी चीज़ आप प्रैक्टिकली सीख गए हैं, और नहीं सीखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो क्लास मैं बना रहा हूँ प्राइम की, वो स्टेप बाई स्टेप अपने कंप्यूटर पे करते हुए चलें और आज तक की क्लास पे आए, और जब भी मैं यहाँ पे आपको जैसे वीडियो अपलोड करूँ, क्लास दूँ आपको, तो तुरंत उसे चेक करें, बनाएं, सारी चीज़ें क्रिएट करें एज इट इज, बार बार देखें, कोई समस्या आए तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।